हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 18 एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि AIB 18 का जो फाइनल आंसर की है उसको BCI ने पब्लिश कर दी है, और उस फाइनल आंसर की के हिसाब से BCI ने 7 यानी 7 क्वेश्चन को विड्रा कर लिया था पेपर से। तो टोटल 93 क्वेश्चन पे मैंने बताया था कि आपको हो सकता है मेरिट जो है आपकी जो है तैयार हो। तो आज BCI ने फर्दर जो है रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम BCI के उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो आज पब्लिश की गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पब्लिकेशन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ AIB 18 रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे डियर कैंडिडेट्स, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डेट द रिजल्ट ऑफ AIB 18 आर नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको जो है अपनी लॉगिन डिटेल जैसा कि यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय क्रिएट किया था वो जो है आपको फिल करना होगा। उसके बाद से जो रिजल्ट वाली बटन है उस पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो मैंने इसका पहले भी बताया था कि 7 क्वेश्चन को विड्रा किया गया है, यानी 7 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बुकलेट से हटा लिए गए थे। तो टोटल 93 क्वेश्चन पे इस बार का जो AIB 18 का रिजल्ट है उसको पब्लिश किया गया है। तो अब आपका ये सवाल होगा कि 93 पे मेरिट कैसे बना होगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 93 का 45% अगर आप जनरल OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पाना होगा। तो उस हिसाब से अगर 93 का 45% निकालेंगे तो टोटल 42 मार्क्स आते हैं। तो अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो 42 मार्क्स अगर आप पाए हैं तो आपको पास डिक्लेयर किया गया है। उसी प्रकार से अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 93 में आपको 40% नंबर पाने अनिवार्य होंगे, यानी कि 93 का अगर हम 40% निकालते हैं तो टोटल 37 मार्क्स होते हैं, 37 मार्क्स। तो जिन लोगों ने 37 मार्क्स पाया है और SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी पास माने गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका रिजल्ट विथेल लिख के आया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु हैव अपलोडेड देयर डॉक्यूमेंट्स इंस्टीड ऑफ इनरोलमेंट सर्टिफिकेट देयर रिजल्ट आर विथहेल्ड। दोज कैंडिडेट्स नीड टू सेंड देयर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट टू द ईमेल एड्रेस। तो ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, 10 अप्रैल के पहले आपको अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट इस पर सेंड करना है। उसके बाद से ऐसे कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल तक जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का जो है रिजल्ट विथहेल्ड लिख के आया है, तो उस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से आपको ईमेल करने हैं, कैसे आपको डॉक्यूमेंट जो है सेंड करने हैं। तो फिलहाल में अभी जो है जो न्यूज़ है कि AIB 18 का फाइनल रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है। आप अपना जो लॉगिन डिटेल है उसको वहाँ पे फिल करके अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। 93 क्वेश्चन पे मेरिट तैयार किया गया है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 93 क्वेश्चन पे ही मेरिट बनेंगे। तो 93 का 42 मार्क्स आएगा जनरल OBC का और 37 मार्क्स आएगा SC ST कमेटी का। तो उम्मीद करता हूँ जितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे सभी लोग पास होंगे, और जिन लोगों के रिजल्ट में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, तो उस पर फर्दर मैं आगे बताता रहूँगा कि किस तरीके से उनके रिजल्ट में सुधार होगा, कैसे वो पास होंगे। इसके अलावा BCI की ओर से लगातार इसके संबंध में नोटिफिकेशन भी आते हैं कि अगर उनके रिजल्ट में कोई गड़बड़ी है तो उनको फिर उनको मौका दिया जाता है BCI की तरफ से। हर बार ऐसा होता रहा है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। जिनका भी रिजल्ट ख़राब हुआ है उसके संबंध में फर्दर हो सकता है BCI की ओर से कोई नोटिफिकेशन आए। तो अगर आप AIB 18 एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।